हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, सऊदी अरेबिया पुट्स इजराइल डील ऑन आइस, इंगेजेस विद ईरान। तो पहले हमें पता होना चाहिए आर्टिकल में आगे बढ़ने से पहले कि सऊदी अरेबिया कहाँ है, इजराइल कहाँ है और ईरान कहाँ है, और किसके विथ रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया, ये हमारे प्यारे भारत के रिस्पेक्ट में ये सारे कंट्रीज कहाँ पर है। तो चलिए देखते हैं। ये हो गया हमारा प्यारा भारत, पाकिस्तान, ईरान। तो ईरान तो यहाँ पर है। अब देखिए, भारत, ओमान, सऊदी अरेबिया, या भारत, यमन, सऊदी अरेबिया, या भारत, यूएई, सऊदी अरेबिया। अब चलिए थोड़ा लोकेशन को जूम इन करते हैं। इंडिया तो हम लोगों ने देख लिया, यहाँ पे आपका गुजरात का कोस्ट दिख रहा है। चलिए यहाँ पे इस लोकेशन को लॉक किया जाए। तो लॉक करते हुए लोकेशन को, ये हो गया अपना गुजरात। तो मतलब ये है अपना प्यारा इंडिया, ठीक है। ये अपना बेटा, बिगड़ा बेटा, ठीक है, बिगड़ा बेटा। यहाँ पे ये हो जाता है ईरान, सऊदी अरेबिया, और यहाँ पे आप देखिए इजराइल, जहाँ पे ये आज लड़ाई चल रही है। और यहाँ पे गाज़ा स्ट्रिप है, आपने देखा है, और यहाँ पे वेस्ट बैंक है। ये हो गया आपका जॉर्डन, इराक, यहाँ पे सीरिया है, ठीक है। और ये ऊपर में इसराइल के लेबनन, और ये सिनाई पेनिनसुला। तो मतलब ये हो गया आपका इजिप्ट, यमन, ओमान, यूएई, कतार, बहरीन, कुवैत, और यहाँ पे दुबई। तो आप देखिए, ये तो कंट्रीज हो गए। तो अब देखिए क्या बात हो रहा है, और इसके ऊपर में आप देखिए यहाँ पे अफगानिस्तान, ठीक है। तो इंडिया के विथ रिस्पेक्ट में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सऊदी अरेबिया, जो हमारे लिए मेन हो जाता है। अब देख ले इसमें अलग कौन सा है हमारे लिए। एक तो हो जाता है सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया, ईरान, इसराइल। इस आर्टिकल में इन तीन की बात हो रही है। ये रहा आपका लव ट्रायंगल, इसकी बात हो रही है। ये है आपका लव ट्रायंगल। चलिए देखते हैं, अब ये हो गया लोकेशन। तो आर्टिकल आगे पढ़ते हैं। सऊदी अरेबिया इज पुटिंग यूएस बैक प्लान टू नॉर्मलाइज टाइज विद इसराइल ऑन आइस। ऑन आइस का क्या मतलब है? टू सोर्सेज फेमिलियर विथ रियाद थिंकिंग सेड सिग्नलिंग अ रैपिड रीथिंकिंग ऑफ द फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज एज अ वॉर एस्केलेट्स बिटवीन इसराइल एंड पैलेस्टीनियन ग्रुप हमस। द कॉन्फ्लिक्ट हैज ऑल्सो पुश्ड द किंगडम टू इंगेज विथ ईरान। तो आप देखिए, ईरान हमेशा फेवर में रहता है पेलेस्टीन के। पेलेस्टीन के मतलब आपका यहाँ पे गाज़ा स्ट्रिप की बात हो रही है, वेस्ट बैंक की बात हो रही है, और इसके गवर्निंग बॉडी हमस की बात हो रही है। तो ये उसके फेवर में है, तो यहाँ पे प्लस साइन कर लेते हैं कि मतलब फेवर में है। और ईरान हमेशा वर्सेस में किसके होता है? इसराइल के, ठीक है। ये इसके वर्सेस में, अगर यहाँ पे इसके साथ डील हो रही है, आप समझिए पहले यहाँ पे एक रिलीजन का फैक्टर आ जा रहा है। ये सारे अरब ग्रुप्स हैं, ईरान भी वही है, पैलेस्टीनियन भी वही है, सऊदी अरेबिया भी वही है। तो जब एक ज्यूइश अरब को मारेगा, तो क्या बाकी अरब को बुरा लगेगा? ऑब्वियसली लगेगा। तो वो लोग आपस में डील कर रहे हैं अब, और इसराइल को हो सकता है साइडलाइन किया जाए, क्योंकि वो लोग अब नहीं करना चाहेंगे कि भाई तुम अरब को मार रहे हो। ये लोग डेवलपमेंट से ज़्यादा, डेवलपमेंट ठीक है होना चाहिए, पर उससे कई गुना ज़्यादा ये लोग फैक्टर देते हैं रिलीजन को। तो रिलीजन इनके लिए सबसे ऊपर है। तो ठीक है, ये बात हो रही है। तो चलिए देखते हैं। द कॉन्फ्लिक्ट हैज ऑल्सो पुश्ड द किंगडम टू इंगेज विद ईरान। तो क्या जो हमस करना चाहता था हो गया? बिल्कुल हो गया। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान टुक हिज फर्स्ट फोन कॉल फ्रॉम इरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी एज रियाद ट्राइज टू प्रिवेंट अ बॉर्डर सर्ज इन वायलेंस अक्रॉस द रीजन। द टू सोर्सेस ऑल्सो रियूटर्ड देर वुड बी अ डिले इन यूएस बैक टॉक्स ऑन नॉर्मलाइजेशन विद इसराइल दैट वॉज अ की स्टेप फॉर किंगडम टू सिक्योर वॉट रियाद कंसिडर्ड दी रियल प्राइस ऑफ द यूएस डिफेंस पैक्ट इन द एक्सचेंज। तो साफ बोल दिया गया है कि उस डील को थोड़ा सा ये लोग साइडलाइन करेंगे, उसको रखेंगे हॉल्ट पे, आगे देखेंगे क्या होगा, जो नॉर्मलाइज सिचुएशन होना था इसराइल और
आपके इसराइल और सऊदी अरेबिया के बीच में। अंटिल ईरान बैक्ड हमास स्पार्क्ड अ वॉर ऑन अक्टूबर 7 बाय लॉन्चिंग अ डिवास्टेटिंग अटैक ऑन इसराइल, बोथ इसराइल एंड सऊदी लीडर हैड बीन सेइंग दे वर मूविंग स्टीडली टुवर्ड्स अ डील दैट कुड हैव रिशेप्ड द मिडल ईस्ट। तो यही आपका मिडल ईस्ट हो गया। तो जब ये दोनों की डील हो जाती तो देखिए सिंपल सी बात, एक अरब वर्ल्ड का चैम्पियन आपका सऊदी अरेबिया, उसके साथ किसकी डील हो जाती है आपकी, इसराइल की। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ डायनेमिक्स बदल जाते। तो जहाँ पे पहले लड़ाइयाँ चल रही थी, ये आपकी ज्यूस है, ये यहाँ पे जो लड़ाइयाँ चल रही थी वो थोड़ी लड़ाइयाँ ठीक हो जाती, पर अब ऐसा नहीं लग रहा है कि होगा। सऊदी अरेबिया हैड अंटिल द लेटेस्ट कॉन्फ्लिक्ट इंडिकेट इट वुड नॉट अलाउ इट्स परस्यूट ऑफ द यूएस डिफेंस पैक्ट बी डिरेल्ड इवन इफ इसराइल डिड नॉट ऑफर सिग्निफिकेंट कंसेशन टू द पैलेस्टीनियन इन देयर बिड फॉर स्टेटहुड, सोर्सेस हैड सेड। बट एन अप्रोच दैट साइडलाइन पैलेस्टीनियन वुड रिस्क एंगरिंग अरब अराउंड द रीजन। तो देखिए यही जो आपका अप्रोच है इसराइल का, वो आसपास के अरब्स को थोड़ा सा यहाँ पे खटकेगा, क्योंकि भाई तुम अरब को मार रहे हो, हमारे रिलीजन को मार रहे हो। अरे तो तुम भी तो देखो, पहले उन्होंने मारा, तुम बेवकूफ हो गया। अरब न्यूज आउटलेट ब्रॉडकास्ट इमेज ऑफ द पैलेस्टीनियन किल्ड इन इसराइल रिटेलिएटरी एयर स्ट्राइक्स। तो वहाँ पे न्यूज़ पे भी वही चला रहे हैं कि देखो अरब के लोगों को मारा, तो उसके पहले का न्यूज़ क्यों नहीं दिखा रहे हो। द फर्स्ट सोर्स फेमिलियर विद द रियाद थिंकिंग सेड टॉक्स कुड नॉट बी कंटिन्यूड फॉर नाउ एंड द इशू ऑफ द इसराइल कंसेशंस फॉर द पैलेस्टीनियन वुड नीड टू बी द बिगर प्रायोरिटी व्हेन डिस्कशन रिज्यूम्ड। कमेंट दैट इंडिकेट्स रियाद हैज नॉट अबैंडन्ड द आइडिया। अ सऊदी स्टेटमेंट सेड दैट द क्राउन प्रिंस टोल्ड रईसी द किंग क्रॉस, ये आपके क्राउन प्रिंस हो गए आपके सऊदी अरेबिया के, रईसी हो गए आपके ईरान के। द किंगडम इज एग्जर्टिंग मैक्सिमम एफर्ट टू इंगेज विद ऑल इंटरनेशनल एंड रीजनल पार्टीज टू हॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशन ऑन गोइंग एस्केलेशन। तो दोनों ने बोला है कि ये जो एस्केलेशन हो रहा है उसको थोड़ा सा रोका जाए। अंडरलाइनिंग रियाद्स मूव टू कंटेन द क्राइसिस, अ सीनियर ईरानियन ऑफिशियल टोल्ड रियूटर्स, द कॉल मेड बाय द रईसी टू द क्राउन प्रिंस एम टू सपोर्ट पैलेस्टीनियन एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द वॉर इन द रीजन। तो ईरान ने कॉल किया है आपको सऊदी अरेबिया को, क्यों, कि भाई चलो वॉर को रुकवाया जाए, ताकि नहीं तो इधर स्पिल ओवर इफेक्ट ना हो। अ सेकेंड ईरानियन ऑफिशियल सेड द कॉल लास्टेड 45 मिनट्स दी एंड हैड द ब्लेसिंग ऑफ सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमीनी। सऊदी स्टेटमेंट सेड द क्राउन प्रिंस स्टार्टेड द किंगडम्स अपोजिशन टू एनी फॉर्म ऑफ सिविलियन टारगेटिंग एंड द लॉस ऑफ इनोसेंस लाइफ एंड एक्सपोज रियाद्स अनवेवरिंग स्टांस इन स्टैंडिंग अप फॉर द पैलेस्टीनियन कॉज। तो यहाँ पे आप देख ले, अगर हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए सिंपल लोकेशन, ठीक है, सेकेंड ये इसराइल, इसराइल प्लस ईरान प्लस ये आपका लव ट्राइंगल में बना रहा हूँ सऊदी अरेबिया, क्या है इनके बीच में रिलेशन, क्या है, क्यों चीज़ें बढ़ रही हैं, खराब हो रही हैं, और अगर ये लड़ रहा है तो कैसे ये इसके क्लोज आ रहा है, तो इसके क्लोज आने से कैसे ये इससे दूर हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें देखना है, ये हिस्टोरिकल इसका डेवलपमेंट है, मैंने वीडियो बनाया है, आप लोग प्लीज़ चेक करिए उसके ऊपर। तो ईरान हमेशा अपने अरब वर्ल्ड को सपोर्ट करता है, इसराइल को नहीं करता है, तो ठीक है ये। और यहाँ पे पैलेस्टीनियन का इशू, तो कैसे इसके ऊपर हमारे जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, इंडिया यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है, उसके ऊपर असर पड़ेगा, तो हमें ये भी एक ध्यान में देना है। तो बस इस आर्टिकल में इतना ही हमारे लिए ज़रूरी था, ये मैंने आपको लोकेशन पूरा समझा दिया है और कहाँ पे क्या क्या है। तो थैंक यू गाइस, प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।